बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीएम की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का महाराष्ट्र दौरा है। महाराष्ट्र में रोड शो और जनसभाएं करते मुख्यमंत्री नजर आएंगे। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे सीएम। कलिना विधानसभा में रोड शो और जनसभा की जाएगी। धारावी और घाटकोपर विधानसभा में भी जनसभा रोड शो करते मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र दौरे पर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र में रोड शो और जनसभाएं करेंगे सीएम। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में ये जनसभा होगी। कलिना विधानसभा में रोड शो और जनसभा का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, धारावी और घाटकोपर विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जनसभा और रोड शो करने वाले हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र में इतना चुनावी प्रचार क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है और महाराष्ट्र में चलेगा मोहन मैजिक। दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, ओबीसी वोटर्स एक बड़ा फैक्टर है जिसे साधने में मध्य प्रदेश के सीएम जुटे हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का परफॉर्मेंस असरदार देखने को मिलता है, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे झारखंड में। तो फिलहाल देखिए, झारखंड में भी चुनावी प्रचार करते नजर आए हैं और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर मोहन यादव की रही। और इसके साथ ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर में प्रचार प्रसार भी किया, जहां अब तक रिजल्ट आ चुके हैं। जहां प्रचार सीएम ने किया है, वहां जीत भी हासिल हुई है और बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी को फायदा भी मिल रहा है। और यही वजह है कि लगातार इन सभी चीजों को, इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए मध्य प्रदेश के सीएम महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, लगातार चुनावी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। सीधे रुख करेंगे भोपाल से संवाददाता सूरज तिवारी, लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र के अलग अलग विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं और चुनावी प्रचार कर रहे हैं। देखिए ऋतु, आपने कल भी देखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव महाराष्ट्र के दौरे पर थे और दो विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार किया। इससे पहले भी वो नागपुर गए और कई विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार किया। ऐसे में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, क्योंकि 20 नवंबर को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में वोटिंग होनी है। 5 बजे तक चुनाव प्रचार होगा। ऐसे मुख्यमंत्री मोहन यादव आज पूरी ताकत झोंकने वाले हैं प्रचार, और कई विधानसभा सीटों में प्रचार प्रसार करेंगे। चाहे धारावी विधानसभा सीट हो, चाहे महाराष्ट्र की घाटकोपर विधानसभा सीट हो, कंदिवाली विधानसभा सीट हो, कलिना विधानसभा सीट हो, अलग अलग साइन कोलीवाड़ा विधानसभा सीटों, अलग अलग विधानसभा सीटों मुख्यमंत्री मोहन यादव जनसभा करेंगे। साथ में बड़े ग्रैंड जो रोड शो हैं वो भी करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव को जिस काम के लिए लगाया गया है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में आपने देखा किस तरह से वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, अब महाराष्ट्र में लगातार चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक महाराष्ट्र में एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जो बीजेपी की अगर बात करें तो ओबीसी चेहरे में मुख्यमंत्री मोहन यादव से बड़ा चेहरा अभी बीजेपी के पास नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार यहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं और ओबीसी वोट बैंक को बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को प्रचार प्रसार करवा के अपनी तरफ खींचा जाए। यही कारण है कि लगातार चाहे नागपुर हो, चाहे आज के 4 से 5 विधानसभा सीटों में प्रचार प्रसार हो, मुख्यमंत्री मोहन यादव करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बड़ी बात यही होगी कि लगातार जिस तरह से हरियाणा में सीएम ने रिजल्ट दिया, यानी मोहन मैजिक चला, वो महाराष्ट्र और झारखंड में कितना चलता है ये 23 नवंबर को पता चलेगा ऋतु। लेकिन जिस तरह से इस बार का चुनाव है तो कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प है महाराष्ट्र का चुनाव, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के भी तमाम नेता जो हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आज आखिरी दिन तमाम जो नेता हैं सियासी दल के वो कहीं ना कहीं झारखंड और महाराष्ट्र में आखिरी मौके में सभी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि असर कितना होता है। फिलहाल शुक्रिया सूरज आपका तमाम जानकारी के लिए।